स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। बस 10 नंबर हो गया है तो मैं जाना चाहूंगी यार इस हफ्ते, अगर ये इस तरह से चिल्लाना चालू हो रहा है तो लड़ाई हो। इसकी बात सुन ली बिग बॉस वालों ने, ऑडियंस ने, भगवान ने, सबने सुन ली कि जाना चाहती है बहन। टाटा बाय बाय टाटा। मैं हट जाऊंगी वहां से, नहीं होगा मुझसे। तो तुमसे और मुझसे प्रॉब्लम है ना घर। तो बहुत गंदी गंदी चीजें बोल रहा है यार। तू एक स्टेप बाहर हो ना तब कर ले, तू बाहर निकल के ना छुपेगा। अच्छा ठीक है। इसकी बात कर रहा था सलमान खान। वो जिस मुंह से अभी बोल रहा है, ये जब बाहर निकलेगा बिग बॉस से तो मैं देखना चाहता हूँ क्या हुआ, क्योंकि एमसी स्टैन और शालीन का हुआ था पिछले सीजन में तो उनकी तो दोस्ती हो गई थी, इनका क्या होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। एल्विश से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अभी तो बड़ी नाटक कर रही थी कि यार ये कैसा है, कैसा सा है ये, इससे क्यों बातें करते। अब नाट बाहर चली गई, अब बाहर की दुनिया दिख गई, अंदर तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब बाहर की दुनिया देखी तो अब एल्विश से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं उसके फैन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई तुम्हारा एल्विश बहुत अच्छा है, उसने कभी अंदर इस तरह से बिहेव नहीं किया जिस तरह से आप लोग बिहेव कर रहे हो। प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि एल्विश की नजर, एल्विश कल को मुझसे नजर। फैंस जितने भी होते हैं ना, मतलब जितने कट्टर फैन होते हैं वो सबके ऐसे ही होते हैं। अब इनके फैन ही नहीं है तो इनको पता ही नहीं है कि फैन सपोर्ट किस प्रकार करते हैं। इमोशनल डैमेज। अब जब ये लोग एल्विश से लड़ते हैं तो वहां फैन जाके इनको बोलते हैं कुछ ना कुछ। अब भाई तुम हो पब्लिक, वो तो लोग बोलेंगे, कमेंट तो कर ही सकता है ना यार आदमी इतना तो। बाकी मैं ये बोलूंगा कि जितने भी लोग करते हो गाली मत बको, प्यार से कुछ भी बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ना मिला पाए यार बिल्कुल, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसा है नहीं कि जिसके वजह से हम कल को मिले ना, और मैं मना करूंगी मुझे मिलना नहीं एल्विश से। इससे नहीं मिलेगा एल्विश, कौन सी चौड़ में है भाई। जिया के पीछे, जिया के जिया में क्या है, बेबी का बेबी, जिया में जी बिना है। जी मतलब जान। पर जिया देखो, जिया के लिए बिल्कुल फुकरा इंसान का दिमाग एकदम सेट है कि ना नो फॉर जिया, अ वेरी बिग नो। पर जिया को समझ ही नहीं आ रहा, जिया का तो दिल धक धक करने लग जाता है फुकरा को देख के, या शायद फुकरा की ऑडियंस को देख के, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता जिया, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड होती वो शुरू से दिखता, पर शुरू से जिया मतलब ज्यादा नहीं दिख रही थी। फिर जब एक उसमें जो भी जिसमें भी आता है सलमान खान, उसने आके सबको बता दिया कि फुकरा का क्या चल रहा सीन बाहर, सब जब से चिपके हुए हैं फुकरा में घुस रहे हैं बिल्कुल। और अभी एल्विश के बारे में तो इन्हें सही से पता भी नहीं है, बाहर आके पता चलेगा। Of course. बातें देख लो इसकी। अरे कमीन। कबाब में हड्डी होनी चाहिए। तो आप जाते क्यों नहीं? भाई साहब ये जिया के पीछे तो ऐसा लग रहा सारे यूट्यूबर पड़े हुए। उसने टगेश ने भी आके वहां पे बोल दिया कि जिया से थोड़ा दूर रहना, पहले तो बोल नहीं रहा था सलमान खान ने, और दे दी बोलो बोलो अरे बोलो ये। और इन लोगों को यूट्यूब की ऑडियंस की वैल्यू नहीं है एक तरफ, और एक तरफ बुलाए भी यूट्यूबर्स को ही जा रहे हैं। उसके फुकरा के और भी दोस्त हैं पर नहीं, ठगेश को ही बुलाया क्योंकि यूट्यूबर वाली ऑडियंस और चाहिए ना, ऑडियंस दे दो हमें पर हम इज्जत नहीं देंगे। मुझे चाहिए कोई सीधा साधा साधारण लौंडा जिसको कोई ना जानता हो। यार राशि का शो में अच्छी दिख रही वाली, पर ये बातें ऐसी समझ नहीं आती मुझे कि सीधा साधा बोल के उसने पहले मंजुल पटाया जो टिकटॉक पे फेमस था, फिर सात्विक साख्यान पटाया जो कि इंस्टाग्राम के टाइम पे फेमस हो चुका था, फिर रोज पटाया, नहीं यार उसको तो इसने ही फेमस करा है, या शायद तीनों को ही आशिका ने ही फेमस कर। ये तीनों फेमस ही मेरी नजर में इसलिए क्योंकि वो आशिका के बॉयफ्रेंड थे, आशिका लड़के फेमस कर देती है, बताओ क्या बताऊं। हमारे पीछे किराएदार रहा है उसने करवा दो तेरी सेटिंग, उसने भी कोई ना जाना है। भाई साहब वो भी फेमस हो जाएगा भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है अगर आशिका ने पटा लिया उसको। हाँ पता, मुझे इधर ही देख रही है तू, मैं कह रहा हूँ सूट सलवार भी पहना दे कर इसे, इसे नु कह दे बहुत बढ़िया लगा तू सूट सलवार में, ठीक है ना। एक बार आप भी ऐसे बोल दी ये बात, अब इसने इस प्रकार से बोली थी, पर ये जो क्या कहते हैं ना आशिका की मम्मी है, उनने क्या कहते हैं कहाँ ट्वीट कर दिया कि मेरी बेटी के कपड़ों पे सवाल उठा दिए और ऐसा तो वैसा ये और वो। यार ये कितनी अच्छी तरीके से बोल रहा है वो कि सूट सलवार भी पहनना चाहिए कभी कभी, ये तो नहीं बोल रहा कि हमेशा सूट सलवार पहनो ऐसा वैसा, पर क्या पता किस प्रकार से डिफेम करना चाह रहे हैं। वो आशिका की इमेज अच्छी कर रहा है, वो ये डिफेम कर रहा है। आशिका सूट में तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ यार झूठ बोल दू इसमें भी। जादू मींस मैजिक, वो फिर से लुढ़केगी। जादू इज नॉट एलियन, वो देख पलट गया।
पहले उसने बोला वो देख पलट गया, फिर उसने सोचा ये फिर लेके आ जाएगी बॉडी शेविंग के नाम पे कि ट्रक पलट गया बोल रहा है, तो उसने इंसान पलट गया बोल दिया तुरंत। अभिषेक वो फुकरा इंसान को अब आदत हो चुकी है वहां रहने की, अब वो समझ चुका है कि किस प्रकार से खेलना है। बोलो मैं, मैं आगे तो बढ़ू। मैं अभिषेक को पहले बहुत लड़ती थी, मैं अभिषेक से पहले बहुत लड़ती थी, पर जब मुझे बाद में पता लगा कि वो बाहर बहुत ज्यादा फेमस है। ओ, क्यों बाहर बहुत ज्यादा फेमस है, जो मैंने उसको भाई बना लिया। आगे बढ़ो। ये नहीं था, बोलो बहुत ज्यादा फेमस है। ये बहुत ज्यादा फेमस है वो, मैं उसके आगे पीछे घूमने लग गई, आगे पीछे घूमने लगी, फिर साले आग लगानी है, आग लगानी है। बोलो ना, मैंने बोल दिया भाई। यार मैंने नहीं सुना यार, तुम्हारा फोकस नहीं है, कैसे डिक्टेटर हो तुम। फोकस तो आप पे ही है। अबे लाइन भी मार रहा है धीरे धीरे से भाई, पर ये जो फ्लर्टिंग कर देता है धीरे धीरे से, कभी बेबिका के साथ भी बहुत करी उसने, पूजा भट्ट के साथ तक कर ली, ये फलक के साथ तक कर ली हो, और वो चिढ़ने भी लग जाता था, उसका नाम क्या विनाश, ये समझ नहीं आता उसको, बेबिका के साथ तक फ्लर्टिंग कर ली उसने, फलक पे, फलक तो उससे एज में बड़ी भी होगी मेरे ख्याल से। स्माइल ऐसे करो कि दुश्मन भी तारीफ करे। इतनी क्यूट लगी इस्माइल की, साबुन का पानी लाके पिला दिया। अब इस्माइल मत कर, अब लड़ मुझसे, बिग बॉस में है जो टॉप में हम जाने वाले हैं बाहर वाला, कि बाहर इनमें से कोई चला गया नर्थ हो जाएगा, ये वाली बात उन्हें कैसे पता लगी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम तो निकल ही जाएंगे, ऐसा गलत तुम ही तो रहने वाले हो, तो ये वाली बात बाहर कैसे बन गई। तो ये एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे तो भाई हमेशा से लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, आप लोगों को लगता है कि नहीं कमेंट में बताओ मुझे। क्या कर रही है? स्पाइडरमैन बनना चाह रही है कि जुत्सु कर रही कोई सा, वो नरूटो देखा? जुत्सु कर रही भाई, ये क्लोन चलाएगी इसके अंदर, मेन बॉडी सोती रहेगी, क्लोन घूमेंगे, वो भी देख रही है, पागल हो गई। क्या कर रही भाई, जाले छोड़ रही है सही में। सीक्रेट मैसेज भेज रही भाई, इसके दोस्तों से बात होती इसकी ऐसे। आया है फोन जहां पूजा भट्ट को फोन चला रही है यूज करते हुए देखा गया। मेरे को वैसे दो चीजें लगती है, एक तो उसके हाथ में वो कागज थे वो नीचे रखे होंगे, या तो फिर वो जो च्युइंगम चबाती रही थी उसके जुबा के वो खा रही होगी वो, या मोबाइल भी चला सकती है भाई जिस हिसाब से उसको फेवर किया जाता है, वो कंप्यूटर भी चला सकती है वहां बैठ के, कोई बड़ी बात नहीं है। यार इसकी ऑडियंस कैसी है भाई, ये जिया की ऑडियंस मैं जानना चाहता हूँ। उसने उसको साबुन पिला दिया लिटरली, उसके बावजूद भी उसने उससे जाके सॉरी वॉरी ज्यादा कुछ इतना इज्जत से नहीं करा, जब सलमान खान ने डांटा जब सॉरी बोला उसने, और उसके बाद फिर कैमरे में सॉरी एल्विस की जीतते हुए नाटक कर रही है वो, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स सबको मेरी तरफ से सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपके दोस्त या आपके बेटे को मैं हार्म करूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। बाद में जब ये मूवीज में रोल मांगने जाएगी ना, वो भी कहेंगे मेरी भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें दुखी करने की, पर मैं तुम्हें नहीं ले सकता, तुमने बहुत गंदी एक्टिंग करी बिग बॉस में। समझ आ गई सबको कि तुम फेक हो। वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आई एम रियली ग्लैड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होना है, वो ठीक है। मेरे को लगा बोल रही आई एम रियली ग्लैड कि साबुन मिला दिया था, सादा पानी पी लेते तो। रोज सुबह पराठे खिलाती हूँ मैं उन्हें गरम गरम। अब नहीं खाएगा वो गरम पराठे, डर लगेगा उसको पराठा खाने में। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मस्ती मजाक में, मैंने उतना सोचा ही नहीं, एंड रियली सॉरी। आई होप यू गाइज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। नहीं कर रहे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो नए सेटअप के साथ, मतलब मेन चैनल वाला सेटअप है, मुझे पता है मैं क्या बताऊं बना लिया। बाकी वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब कर दे जितने लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब पता लगता है मुझे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।